श्री माद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों का वंदन अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलिका और विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्री माद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे दामोदर अष्टक का तृतीय श्लोक है कैसे कृष्ण हम लोग पहले श्रवण किया था कैसे मैया यशोदा ने उनको कैसे बांधे और कैसे उन्होंने नल कुबेर मुनि के रूप कैसे उद्धार किए। उसको बाद में हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे ये फल विक्रण की कथा हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे कैसे फल विक्रण के ऊपर कृष्ण कैसे उनको ऊपर कृपा की और उनको भी अपना भक्ति प्रदान किया है। इसलिए इसमें गुरुदेव कहते हैं जब उन्होंने फल विक्रय के ऊपर कृपा की फल विक्रय जब थोड़ी दूर जाती हैं क्या देखती हैं उसका जो टोकर थी वो बहुत वजन हो गया। अभी वो सोच रही थी कि खाली थी वजन कैसे हो गया उसको उतार करके देखती हैं उसमें रत्नों से भरा था। उसने बोले हे प्रभु आपसे तो मैंने ये रत्न की प्रार्थना है आप मेरे को ये दुनियादारी चीज दे करके मेरे को बचना क्यों करना चाहते हो। इतने में उसने वो टोकरी को लेकर के उन्होंने जमुना में उड़ाल दी। उड़ाल करके बोले प्रभु हमें अपना दर्शन प्रदान करो और अपना भक्ति हमें प्रदान करो। तब गुरुदेव कहते हैं अभी वो ऐसे बाबरी हो गई कृष्ण प्रेम में उसको कुछ भी शरीर का बुद्धि उसकी रही नहीं। तब गुरुदेव यहाँ पर श्लोक उद्धृत करके कहते हैं जब जीव का ये स्थिति हो उसको शरीर में क्या लक्षण दिखाई पड़ती है उसको शरीर में लक्षण क्या दिखाई पड़ती है कहते एवं व्रत स्वप्रिय नाम जातानुराग मृतजीत उच्चई हसत्य करोदतिरौती उन्माद वाच्यलोक। इसमें कहते हैं कहते एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा उसका जीवन का व्रत क्या हो जाता है कहते अपना प्रिय नाम कहते हमारा अपना प्रिय नाम कौन सा नाम है कहते हमारा जो प्रिय नाम है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा बोले जातानुराग कहते भगवान का नाम तो मधुर से भी मधुर भगवान का नाम है इसलिए बोले मधुरम मधुरम मृतक मंगलम मंगला नाम सकल निगम बलि सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धा हृदयवा भृगुवर नरमात्र तारेते कृष्ण नाम। जो कृष्ण नाम है ये मधुर से भी मधुर है और ये मंगल से भी मंगल भगवान का नाम। कहते श्रद्धा और हेला में भी एक बार भगवान का नाम उच्चारण हो जाए ना बोले नरमात्र तारयते कृष्ण नाम ये कृष्ण नाम नरमात्र को ही ये त्राण कर लेता है। लेकिन अभी हमारे नाम हमें नहीं लगता है भगवान का नाम तो मधुर से मधुर है मंगल से भी मंगल है लेकिन अभी हमें भगवान का नाम मीठा नहीं लगता है। हमें भगवान का नाम हमें मीठा नहीं लगता है बोले कारण क्या है बोले कारण है हमारे पूर्व जन्म का जो बुरा संस्कार है जो अविद्या है जो अपराध है फिर इसी वजह से अभी भगवान का नाम हमें रुचि नहीं लगता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं मिश्री जैसे मीठा है लेकिन मिश्री तो मीठा है लेकिन ये मिश्री भी किस किस को कड़वा लगता है किसको लगता है कड़वा फिर इसको जंडिस का बीमारी हो जाए पीलिया की बीमारी हो जाए उसको मिश्री भी उसको कड़वा लगता है। फिर डॉक्टर क्या कहता है देखो पहले कितना दवा नहीं होता था बोलते देखो तुम मिश्री चूसा करो लेकिन मिश्री तो मीठा है लेकिन तुमको मीठा नहीं लगेगा लेकिन उसको जोर जबरदस्त चूसते रहना लेकिन
चुसते चुसते धीरे 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 जब हमारे सारे अविद्या अपराध ये सब के सब धीरे धीरे जब नष्ट हो जाएगा फिर तो मिश्री मीठा लगने लग जाए। जब मिश्री मीठा लगने लग जाए ना फिर समझना तुम्हारी बीमारी सही हो जाए। फिर उसी तरह भगवान का नाम तो मीठा है लेकिन रूपोत्तम कहते ना तुंडे तांडविते तुंडा बलि लब्ध है कर्ण करो कड़वनी घटे कर्णा बुधे वस्प्रिया चेत प्रांगण संगति रचयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनित कि अद्भुत कृष्ण से वर्णन हो। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो कृष्ण ये जो दो अक्षर है पता नहीं इसमें भगवान ने कितना उसमें रस ये दो नाम में भर दिया। जब ये जिह्वा पर उदय होता है वो ऐसे थिरकने लग जाती है जैसे शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं कृष्ण प्रेम में विभोर होकर जैसे तांडव नृत्य करते हैं ये जिह्वा ऐसे ही है ऐसे थिरकने लग जाती है। लेकिन जब कानों में प्रवेश करता है बोले कर्ण त्रणो कडविनी घटे कर्णा बुधे वस्प्रिया उसी समय में ऐसे लगता है ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही है। इतना मीठा नाम ने केवल दो ही कान क्यों दे दिया हैं? उनने ये करोड़ों करोड़ों कान को क्यों नहीं दे दिया। लेकिन जब ये नाम हृदय में प्रवेश करता है बोले सर्वेन्द्रियाणाम कृति सार इंद्रियों को सजीवता सार चिन्मयता और हृदय में मानो कृष्ण भक्ति रस की जैसे धारा बहती है हृदय में। लेकिन हमें अभी प्रभु का नाम अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भक्तिमृत ठाकुर कहते हैं यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो और कृष्ण नाम लय त्याली बंगला समझते हो। यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो मतलब अगर कोई दूसरी बात हो जाए ना अरे हमने इतना बड़ा भूत देखा था इतना बड़ा सांप अरे मैंने भी इतना बड़ा भूत देखा था तो एकदम पांच दस मंजिल ऊंचा और सांप कितना उसमें ना इधर उधर की बात हो इतने एनर्जी आ जाती है ना बात। लेकिन जब भगवान के नाम भगवान की कथा नाम नी ब्यारे तकिया ला बालिश ला अभी नी ब्यारे इसलिए भक्ति में ठाकुर जी बात कहते हैं इसलिए। लेकिन जो भगवान का नाम तो मीठा है लेकिन अभी हम मीठा नहीं लगता है इसलिए कहते क्या करनी चाहिए मीठा नहीं लगने पर भी कहते अनु दिन जिन तब नाम गाई क्रमे ते कृपया तब अपराध जावे नामे रुचि हवे आस्वादिव नाम इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं अनु जिन देन तब नाम इसलिए क्या करनी चाहिए इसलिए नाम लेने का जो नियम है जैसे हम ज्यादा घूम फिर करके लेते हैं ये तो नियम नहीं नियम है एक जगह पर बैठ करके जैसे महाप्रभु तुलसी वृक्ष के सामने बैठते थे महाप्रभु स्वयं कहते ठाकुर के सामने तुलसी वृक्ष के सामने रख करके हरि नाम करो कि तुलसी कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवती नमन इसलिए तुलसी को दर्शन करते हुए और उसमें भगवान की निवास है कृष्ण की ये प्रिया है भक्ति प्रदान करती है इसलिए उनके सामने बैठ करके इसलिए उच्च स्वर से है मैंने जब हमारे भक्ति प्रदान से नारायण गोस्वामी महाराज जब कभी मैंने कभी कभी सेवा किया है और एकदम सवेरे सवेरे उठ करके ढाई तीन बजे उठ करके माला लेकर के जो हरिनाम प्रोत्सन करते थे आपने सुना एकदम हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे महाराज जी हृदय से इसे संबोधन जो हरे कृष्ण महामंत्र ये सब संबोधन कर रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति को संबोधन करके जैसे बुलाते हैं ये सब के सब ये संबोधन अक्षर है। इसलिए हे राधे हे कृष्णा हम आपका ही सेवक हैं लेकिन आपको भूलने का वजह से संसार में ये दुख कष्ट उठा रहे पुनः कृपा करके हमें अपना चरण की सेवा हमें प्रदान करो। इसलिए मैं देखता था गुरुदेव जब हरिनाम करते थे ना ऐसे हृदय से गुरुदेव पुकार पुकार करके है ऐसे नाम को गुरुदेव पुकार पुकार करके हरिनाम करते थे गुरुदेव। इसलिए कहते अनुदिन जन तब नाम गाई क्रमे ते कृपया तब जब धीरे धीरे नाम में रुचि नहीं होने पर भी है मन तो दुष्ट है ना इसलिए नाम में रुचि नहीं लगने पर बैठो
बैठ करके एक जगह से बैठ करके हृदय से पुकार पुकार करके हरि नाम को करो। करते 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 धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 नाम में रुचि हवे, धीरे धीरे नाम में तुम्हारी रुचि होगा और सारी जो अविद्या जो अपराध अनर्थ धीरे 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 हृदय से ये नष्ट हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी। कुछ कुछ तो लोग कुछ दिन माला करके फिर माला को छोड़ छाड़ देते, माला को बोले हमको आनंद नहीं आया। अरे बताओ इसमें दोष किसका है, ये भगवान के नाम में दोष ना, अपना कमी, कमी किसमें है, कमी किसमें है, कमी अपना है, कमी अपना है। सारे जितने हमारे गुरुवर्ग लोग थे उन लोगों ने हरिनाम करते हुए भगवत प्राप्त किया है, हैं उन लोगों ने प्राप्त किया, इसलिए तदानुरागि जना, इसलिए उन लोगों ने प्राप्त किया है। इसलिए कमी किसका, कमी हमारी है, कमी नाम का नहीं, कमी हमारी है, हमने हरि नाम ठीक से नहीं किया, इसलिए इसलिए नाम में हमें रुचि नहीं आई। और देखो और एक चीज है ना, जैसे अगर हम सच दिल से, अगर सचमुच से हृदय से भगवत प्राप्ति की इच्छा से, और सचमुच से अगर हम हृदय से नाम करना, अब स्वयं देखना आपको एक दिव्य अनुभूति होती। हम बहुत दिन तक कभी कभी नाम करते करते हमें अनुभूति नहीं होता है, इसलिए कभी कभी नाम को भजनों को भी छोड़ छाड़ देते हैं। 20-25-30 साल के बाद में जब नाम काम छोड़ छाड़ करके पता नहीं कहाँ क्या बन जाते हैं। कारण क्या है, अगर हृदय से पुकार पुकार करके अगर हम भगवान के नाम करें ना, फिर देखना एक स्वयं एक अनुभूति आपको, एक अनुभूति आपको दिव्य अनुभूति होगी। ये अनुभूति जब होगी ना, भले ही कोई कुछ क्यों नहीं बोले, फिर उसमें विश्वास नहीं होगा। क्यों, हम स्वयं अनुभूति किए भगवान के नाम में, कितने रस है भगवान के नाम में, कितने आनंद है, अपने ये चीज का अनुभूति किया है। इसलिए कोई व्यक्ति आपको बोल करके ना, थोड़ी सी अब कोई इधर उधर थोड़ी बात हो जाए ना, कुछ जिंदगी भर हमने जो भजन किया, किसी वैष्णव का अच्छे चीज देखा उसको नहीं लेते हैं, थोड़ी कोई बुरे चीज देखते थे ना हम उसको ही लेते, उस चीज को पकड़ लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर में जो गुण है ना, वो चीज को हम नहीं देखते, वो बुरे चीज में हमारी नजर जाती है। लेकिन अगर सचमुच से हमने भजन करेंगे, भक्ति करेंगे हृदय से, बोलने पर चीज को हम नहीं मानेंगे। क्यों, हम स्वयं ये चीज का अनुभूति किया है। हैं, जैसे एक व्यक्ति रसगुल्ला खाया, एक व्यक्ति रसगुल्ला नहीं खाया, केवल सुना है। आप दोनों व्यक्ति को पूछो भाई रसगुल्ला कैसे है, अभी जिस व्यक्ति खाया नहीं ना, बोले हाँ मैंने सुना मीठा है कितना। लेकिन जो व्यक्ति खाया है ना, उसको पूछो भाई रसगुल्ला कैसे, बोले रसगुल्ला क्या मीठा, गुलाब जामुन क्या मीठा है, है? उसको मुंह से पानी आ जाएगा। क्यों, उसने खाया है, उसने खाया है। उसी तरह ये जो नाम है, क्या है, नाम सुंदर सब करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, ये नाम शुद्ध ये अमृत है। इसलिए ये रस को जो पान किया है ना, ये बंगला में साहब की कीर्तन है, कृष्ण ने उड़ीसा में कृष्ण नाम की रस अच्छे है, उसमें कहते कृष्ण नाम में क्या रस है, जिसने किया है ना उसको पता है कृष्ण नाम में क्या रस है, उसको पता है जिसने हरि नाम को किया है, जिसने किया नहीं उनको क्या पता है। इसलिए अगर हम लोग हृदय से अगर भगवान के नाम करें तो फिर हमें कोई भगा नहीं सकते, हम जिंदगी में कोई भक्ति को कोई छोड़ नहीं सकते, हे भक्ति हम छोड़ नहीं सकते। हमने तो मंदिर में बहुत दिन से रहा, हमने देखा मंदिर में जितने भक्त आए हैं करके 90% भक्त को चले, अगर जो रुके है ना वो 1% भक्त रुक सकते, रुकते हैं। कारण क्या है, कारण क्या, भगवान के नाम में क्या कमी ना, अपना अंदर में क्या कमी है। इसलिए जो मठवास करना और जीवन भर प्रभु का जो भक्ति करना ये बड़े भाग्य होता है। हाँ, इसलिए किसी ने प्रभुपाद बोला प्रभुपाद जी जो हमको जो ब्रह्मचारी था वो चला गया, प्रभुपाद क्या करते जानते हो, जो चला गया था चला गया, जो अभी रह रहे हैं, अरे मैं सोच रहा हूँ अभी तो कैसे रह रहा है। इसे प्रभुपाद कहते हैं मैं आश्चर्य हो रहा हूँ, वो अभी तक मंदिर में कैसे, अभी तक कैसे टिका हुआ है, जो गया तो गया, जो टिका हुआ है मैं इसके लिए आश्चर्य होता हूँ, अभी तक कैसे वो टिका हुआ कैसे। इसलिए इसका मतलब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, भक्ति
हैं सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि स्वपि महामने करुण करुण भाई की विरल व्यक्ति है जो कि भगवान की भजन में सारा जीवन अपना भजन में अपना जीवन को बिता देता है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुदेव किसी तरह से एक जीवन गुरु वैष्णव का डांट डपट खाकर के जीवन में बिता दो। मेरे गुरुदेव कहते एक जीवन केवल मंदिर में ब्रह्मचारी जीवन का संन्यास किसी तरह से जीवन को बिता दो। मेरे गुरुदेव कहते क्यों जब बिता दोगे एक जीवन, देखो जैसे मंदिर है, हैं मंदिर है, यहाँ पर कितना बजे आप सवेरे उठे हो बोलो तो? 4 बजे उठे हैं, 4 बजे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा कर फिर क्या किया, मंगल आरती में आया, मंगल आरती के बाद में फिर अपना हरिनाम किया, उसके बाद में कीर्तन में बैठे हो, कीर्तन के बाद में कथा सुन रहे हो, कथा के बाद में प्रसाद पाओगे, उसके बाद में हरिनाम करोगे। उठा 4 बजे और जो कथा जो विश्राम होगा कितने बजे, 8:30 बजे हर वक्त खत्म होते होते 9 बजे, 5, 6, 7, 8, 9 जो 5 घंटा यहाँ पर जो 5 घंटा कंटिन्यू मन कहीं इधर उधर नहीं जाता, पूरा के पूरा जो 5 घंटा के 5 घंटा पूरा के पूरा जो मन है भगवत में आविष्ट रहता है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे अगर एक जीवन किसी ना किसी तरह से जीवन बीत गया तो गुरु जी कहते थे तुम्हारे जितने दृढ़ संस्कार बनेगा, अरे यही संस्कार अगले जीवन में विश्वनाथ को ख्याल कहते हैं ये कभी घट करके प्रकट नहीं होता है। इसलिए दया कहती है दिन दिन बरत सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन, इसलिए ये भक्ति कभी घट करके नहीं, ये हर जीवन में बढ़ करके प्रकट होगा, ये एकदम ब्याज समेत, ब्याज समेत। इसलिए इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो मंदिर में हम लोग को जो हरि कथा सुनने को मिलता है ना, प्रभुपाद कहते हैं साधारण बात मत समझो, ये चीज को साधारण मत समझो प्रभुपाद कहते थे। इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वर्ग के सत्य च कैलाश वैकुंठ नास्ते अमृत, ये सौभाग्य देवलोक में भी प्राप्त नहीं, ब्रह्म लोक में भी प्राप्त नहीं, शिव लोक में भी प्राप्त नहीं, कभी ये वैकुंठ लोक में भी ये प्राप्त नहीं। अतः पिबंतु सदभाग्य, इसलिए बड़े सौभाग्यवान व्यक्तियों को ये सब चीज मिलती है, भगवान की कथा कीर्तन हरिनाम बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को मिलता है। इसलिए हमें किसी तरह से गुरु वैष्णव का डांट डपट ना खा करके क्या करना है, हैं हरि भजन प्रभुपाद कहते हरि भजन नहीं छोड़ना, सत लाछना सत गर्जना सत अपमान छोड़ करके हरि भजन नहीं छोड़नी चाहिए किसी तरह से, भली दुनिया छूट जाए, दुनिया तो छूटेगा एक दिन, नहीं चाहने पर दुनिया छूटेगा, लेकिन भक्ति नहीं छूटनी चाहिए हमसे, भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा, इसलिए अपना जो प्रिय नाम है ये हरिनाम संकीर्तन नाम करते करते धीरे धीरे क्या होगा, बोले जाता अनुराग, धीरे 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 पहले तो अनुराग नहीं आएगा, लेकिन नाम करते 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 धीरे धीरे नाम का प्रति हमारी अनुराग आएगा, जब अनुराग आएगा फिर द्रुत चीत उच्छे, जब हरिनाम ग्रहण करेंगे फिर हृदय हरिनाम लेते ही क्या होगा, बोले नयनम गलदस्त धारया बदनम गदगद रुधा गिरा पुलक निशित बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। इसलिए भगवान का नाम को लेते लेते धीरे धीरे क्या होगा है, आंखों से अश्रु बहने लग जाएगा, हृदय गदगद होने लग जाएगा, कंठ अवरुद्ध होने लग जाएगा। जब ये स्थिति आई ना जगन्नाथ ठाकुर जी कब तुम्हारे नाम को लेकर के हमारे हृदय में कब ऐसी स्थिति आएगी है। इसलिए कहता अगर ये स्थिति नहीं आता है फिर क्या समझनी चाहिए, हमारी कहीं ना कहीं अपराध से आदमी हो रहा है, कहीं हमारी अपराध कहीं अपराध हमारी हो रही है। इसलिए भगवान का नाम को लेकर के हृदय हमारी गदगद नहीं हो रहा है, आंखों से आंसू की झरी नहीं बहती है। इसलिए सुचित उचित अगर ये स्थिति आ जाए ना क्या मतलब हसत दिया था, फिर वो क्या करता है वो हंसने लग जाता है, बोले हंसता है क्यों, क्या पागल हो गया, बोला पागल हो गया, बोले किसी में बोले कृष्ण प्रेम है, इसलिए कहते हंसता है क्यों। तो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं
जब ये स्थिति आ जाए ना, जैसे टीवी में जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं, उसका हृदय में भी भगवान की लीला के सीरियल उसका हृदय में, उसको सीरियल हृदय में प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवत नाम सही नाम रूप गुण और लीला, ये धीरे धीरे नाम शुरुआत में रूप फिर गुण फिर लीला, ये क्रम से ये हृदय में धीरे 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 प्रकट होने लग जाता है। इसलिए प्रभुपाद इसमें कहते हैं, लेकिन कुछ सहजिया लोग ये चीज को समझो, कुछ सहजिया लोग क्या कहते हैं, कहते हो वहां पर एक सिद्ध बाबा है, है? सिद्ध बाबा जिसे गोविंद लीला मृत में सब दी गई है, गोविंद लीला मृत में जो अष्ट जाम है, जो आठ जाम है, उसमें कृष्णा निशांत लीला में कृष्ण क्या करते, जैसे हम लोग कीर्तन करते ना, मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति, निशांत लीला में ये प्रदोष लीला में उसको वर्णना किया गोविंद लीला मृत में, कृष्ण कौन सा समय में कृष्ण कौन सा लीला कृष्ण करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो गोविंद लीला मृत को पढ़ करके उसको बैठ करके उसको चिंतन है, कृष्ण आज दया श्राद्ध के लिए आज मधुवन में गए, नहीं तो राधा कुंड में दोपहर में गए, उसके बाद में कृष्ण फिर वहां से दूसरे वन में गए, अभी कृष्ण जो लीला किया होगा वो ना गोविंद लीला मृत सब वर्णना किए, बाद उसको बैठ करके उसको चिंतन करते, उसको ही चिंतन करते हैं। इसलिए कोई कोई कहते बाबा जी ये तो बड़े सिद्ध महात्मा है, उनको पूछो कृष्ण कहाँ पर है, बोले कृष्ण अभी राधा कुंड में, अभी कृष्ण कहाँ पर है, राधा कुंड में, बोले अभी कृष्ण बोले कुसुम सरोवर में, अभी वहां पुष्प चयन कर रहे, बोले अभी कहाँ पर है, अभी कृष्ण सूर्य कुंड में गए, अभी वहां पर पासा खेल रहे हैं राधा रानी के साथ, बोले देखो भगवान कहाँ पर है सब कुछ पता है, ठाकुर जी कहाँ पर, लोग इसमें बहक जाते हैं, लोग इसमें बहक जाते हैं ये चीज में, बोले नहीं ये क्या कहते हैं, लीला को स्मरण करते, लेकिन हमारे गोस्वामी लोगों ने बाबू गोस्वामी महाराज कहते थे, ये गोस्वामी लोगों ने इस लीला की वर्णना क्यों किया, कारण है जो साधक जीव है यह चीज को सुनकर उनका मन में लोभ हो, अरे इतने कृष्ण सुंदर मीठी मीठी प्यारी प्यारी लीला करते हैं, क्या कृष्ण रोज एक ही लीला करते हैं, कृष्ण की कितना अनंत लीला है करना, देवाय तुम कृष्ण की अनंत लीला है, कृष्ण की है, कृष्ण की अनंत लीला, कृष्ण की पता नहीं एक दिन में कितना लीला करते हैं, यहाँ पर थोड़ी बावन गोस्वामी महाराज कहते थे, यहाँ तो केवल थोड़ी सी केवल हिंट दिया है गुरु वर्गो ने, क्योंकि इसको सुन करके साधो का हृदय में लोभ हो, और लोभ हो करके फिर वो लीला रस में प्रवेश करने के लिए कोशिश करे है, इसलिए केवल यहाँ पर केवल थोड़ी सी उन्होंने इंगित दिया है, भगवान की तो अनंत लीला है, भगवान की अनंत लीला ठाकुर जी, केवल उन्होंने केवल इंगित दिया है, इसलिए लेकिन जब सचमुच से जब नाम करेंगे, नाम के द्वारा जब चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम त्रय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदा बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय संकीर्तन, जब ये स्टेप बाय स्टेप जब हम जाएंगे ना सचमुच से जब हमारी नाम करते करते हृदय निर्मल होगा, इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद कहते थे कि जो उपदेशामृत ग्रंथ है ये क्या है, बोले ये सहजियाओं के लिए वज्र है, सहजिया लोग क्या करते वो आते ही प्रभुपाद कहते थे अभी शौच क्रिया भी करना नहीं जानते, शौच क्रिया तो जैसे जैसे शौच क्रिया के बाद में हाँ पैखाना के बाद में नियम है कितना बार हाथ में मिट्टी लगानी चाहिए, बस साबुन कितना बार लगानी चाहिए है, कपड़े कैसे साफ सुथरा कैसे करनी चाहिए, जिनको अभी शौच क्रिया के बाद में कितना बार हाथ धोना जिनको पता ही नहीं कुछ हो कुछ भी पता नहीं, वो आते ही क्या करते हैं ये लड्डू मंजरी रसगुल्ला मंजरी जिलेबी मंजरी बात सब मंजरी मंजरी नाम दे देते हैं, एकादश भाव दे दिया है, एकादश भाव दे दिया ये नाम तुम्हारी ये वस्त्र और ये सेवा एकादश भाव दे दे, बस कुछ दिन बाद में क्या होता है गुरुदेव कह रहे थे राधा कुंड में बैठी गई ना, बोलते पूरा राधा रानी का लीला देखेंगे, राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है ना, गुरुदेव कहते राधा रानी
असली राधा की नकली राधा नहीं देखोगी वहां पर। कैसे आते हैं माताएं, कैसे स्नान करती हैं और बस उसको देख देख कर गुरुदेव हृदय में काम वापने लगता है, हैं? नकली राधा रानी को देख देख करके अरे घर गृहस्थ में जाकर फंस जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये बाबा जी लोगों ने, सहजिया लोगों ने बहकाया है, उनको बहुत लोगों का बहका करके अरे ये सब गौरी मठ वाले तो छिबड़ा चूसते हैं, छिबड़ा चूसते हैं, छिबड़ा समझते हो, डांठा खाने के बाद उसको उसको खाने के बाद क्या होते हैं इसको चिबा चुबा कर जो फेंक देते हैं ना गौरी मठ वाले तो इसको चिपसते हैं। ये तो इसको को राग राग मार्ग की भक्ति नहीं देते हैं, मंजरी भाव नहीं देते, गोपी भाव नहीं देते हैं, वही हरि नाम करो, कीर्तन करो, चार नियम को पालन करो, बस यही बात होना चाहिए, है? इसलिए उनको बहका देते हैं। और कुछ ऐसे मूर्ख लोग जिनको भी पता नहीं कुछ है, बस दो दिन में मंजरी बन जाते हैं, लेकिन जब कभी कभी गौरी मंडल स्कॉन से कोई गए, जब जिन्होंने गए उनको दे दिया एकादश भाव, लेकिन वो तो तुम्हारी स्थिति है ही नहीं तुम्हारी। अगर क्लास वन का बच्चा अगर पीएचडी का ग्रंथ लेकर बैठ जाए क्या होगा, कुछ भी तुम्हारा होने वाले नहीं। कुछ दिन बाद में देखता है कुछ तो हो ही नहीं रहा, फिर देखते हैं ये बाबा जी बहुत चाय पीते हैं, फिर गुटखा भी खाते हैं, हैं? ये गुटखा खाते हैं और माता जी को साथ में कहते भैया हम लोगों ने सुना तो ये चाय नियमों को पालन करने के लिए हमारे वहाँ तो कोई चाय नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते थे और यहाँ पर तो असत अवैध समय ये सब तो सारे उल्टा पुलटा है उसको मिलता नहीं। फिर दूसरा बाबा जी क्या कहता है, अरे उसका मंत्र में शक्ति नहीं तो मेरे पास में आ जाए, अभी तक मैं असली मंत्र पास हूँ। वो क्या करता है दूसरों को पास में जाता है, जब दूसरों को पास में जाता है वो पूरा उसका जो सिद्ध नाम दिया था ना वो उल्टा और एक नाम दिया, उसने दिया था कोई मंजरी, उसने दिया अलग मंजरी का नाम, अलग सेवा। फिर उसको कंफ्यूज हो जाता, बोले क्यों, बोले अगर ये मेरे नित्य सिद्ध नाम होता तो फिर ये पूरा अलग कैसे नाम दिया, ये पूरा पूरा अलग कैसे नाम दिया। कुछ दिन बाद में उसका जो श्रद्धा पदाना खत्म, बस घर में वापस। इसलिए ये सब चीजें नहीं, इसलिए नाम करते 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 हृदय जब निर्मल होगा फिर उसको नाम रूप, फिर गुण, फिर लीला, ये स्वाभाविक रूप में, ये स्वाभाविक रूप में हृदय में ये प्रादुर्भाव रामचंद्र के चेहरे में, इसलिए क्योंकि ये स्वाभाविक रूप में ये सबके सब हृदय में स्वाभाविक रूप में। एक वैष्णव कह रहे थे जैसे रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे, रूप गोस्वामी भजन करते करते उन्होंने भजन में क्या देखा, कैसे राधा रानी पुष्प चयन करने के लिए आई, जब उन्होंने पुष्प चयन करने आई इतने में कृष्ण पहले से आ करके वो फूल को पेड़ के ऊपर चढ़ गए, चढ़ करके अपना जो टहनिया ऊंचा थी अपना प्यार में दबा करके नीचे कर दिया। अभी राधा रानी को तो पता ही नहीं, देखा ये टहनिया में तो बहुत सारे फूल है। राधा रानी ने क्या किया, एक हाथ से पकड़े और जो पुष्प चयन कर रही थी इतने में कृष्ण प्यार को छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो पूरा पूरा राधा रानी को पेड़ ही पूरा ऊपर उठा कर ले गया। अभी राधा रानी होने लगी ये क्या हो गया, ये पेड़ अपने आप कैसे टहनिया चला गया, बोले अपने आप कैसे चले जाएगा। इधर गोपियों ने देखते देखते कृष्ण ऊपर में बैठ करके मुस्कुरा रहे, बोले लटकट का ही काम है। फिर कृष्ण क्या के नीचे आए, आखिर राधा रानी को पकड़ करके फिर उतारते। लेकिन उसी समय में कितना खज्जर कृष्णदास उस समय जा रहे थे और रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे, हैं? भजन करते करते ये लीला देख कर हृदय में स्फूर्ति हुई, फिर उन्होंने मुस्कुराए, मुस्कुराए तो जो खज्जर कृष्णदास जा रहा था बोले मेरा प्यार लंगड़ा लूंगा, और इतने बड़े साधु हैं, जो साधु वो बहिर दर्शन नहीं करता है वो आत्मा दर्शन, आत्मा दर्शन करते हैं, मेरा प्यार लंगड़ा लूंगा इसलिए उसको देख कर हंसे, इसलिए उनके प्रति उनकी भावना खराब हो गया, हो गया तो उनके हृदय में जो लीला स्फूर्ति हो रही थी बंद हो गया। जब भी ये शिक्षा देने के लिए सब वैष्णव अपराध कितना खतरा है, शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी तो कहा रूप में ये किया है। इसलिए अभी यहाँ पर एक वैष्णव कह रहे थे जब रूप गोस्वामी ने कोशिश की लीला को पुनः स्मरण करने के लिए, लेकिन उनका हृदय में अंतर ध्यान हो गई, हृदय में अंतर ध्यान हो गई, फिर उनके हृदय में लीला स्फूर्ति नहीं हो रही है। तो वैष्णव कह रहे थे ये क्या उनको लीला पता ही नहीं था, उनको क्या लीला पता है, सारे लीला में डूबे हुए। फिर नहीं यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो आर्टिफिशियल रूप में
हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं उसको जो चिंतन करते हैं ये लीला ऐसे नहीं। हृदय जब निर्बल हो जाता है अपनी आप भगवान की, जैसे सीरियल देखते ना उनके हृदय में अपनी आप ये लीला अपने आप हृदय में स्फूर्ति होता है। आदिवासी ऑफिशियल रूप में नहीं, स्वयं सोच कर इसको याद करो, स्वयं सोच करके नहीं, ये स्वतः ये नाम को द्वारा जब हृदय निर्मल होगा पवित्र होगा वो लीला अपने आप हृदय से रोज रोज नई 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 लीला ठाकुर जी के हृदय में नए नए लीला दर्शन करने को मिलती है। इसलिए कहते एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा कहते ज्यादा अनुराग द्रुत चीत उच्चई। जब नाम में अनुराग होगा नाम लेते ही हृदय क्या होगा, हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, हृदय हमारी द्रवीभूत होगा, आंखों से आंसू की झड़ी बहने लग जाएगी है प्रेम में गति। उस समय क्या होगा, उस समय में बोले हंसा दिया था फिर वो हंसने लग गया, बोले हंसते क्यों, बोले उनका हृदय में कृष्ण लीला ही है, कृष्ण लीला उनका दर्शन करने को मिलता है। इसलिए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर वहां कहते हैं भैया कौन सा लीला तुमको दर्शन मिलता है जो हंसता है। फिर वो कहते हैं एक समय कृष्ण किसी गोपी को घर में मक्खन चुराने के लिए गए। अभी वो गोपी सोचती है कृष्ण के लिए तो मैं मक्खन बनाती हूँ और कृष्ण आकर खा करके जाते हैं, खा कर चल चले जाते हैं, फिर कृष्ण का दर्शन ज्यादा समय तक नहीं होता है। आज जब कृष्ण हमारे घर में आएंगे ना आज कृष्ण को मैं बांध करके रखूंगा, बांध कर फिर कृष्ण को बैठ करके पास से खूब कृष्ण के रूप में निहारू है, एकदम जी भर करके कृष्ण रूप में दर्शन करूंगा। अभी वो गोपी मट्टी में मक्खन को धर दिया, धर करके घर के कोने में छुप करके बैठ गई। जब बैठ गई कृष्ण आए, इधर देखा उधर देखा चारों तरफ में देखा कोई नहीं है, कृष्ण बिल्ली जैसे ना कृष्ण धीरे 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 अंदर में गए और जाकर कृष्ण मक्खन खाना शुरू कर दिया। गोपी तो देख कर इतने खुश हो गई, हमने कृष्ण के लिए ही मक्खन खाया था और कृष्ण आनंद से कृष्ण मक्खन खा, बड़ी प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न हो गई कृष्ण जब मक्खन खा लिए ना वास गोपी जाकर झट पकड़ लिया, बोला आज कहाँ जाओगे, आज तो मैं तुमको घर में बांध करके रखूंगी। कृष्ण ने कहा मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मक्खन खा रहा था, बोला अपना घर में खा रहा था, चलो तेरे को आज मैं बांध करके रखूंगी। बोले ये खंबे के ऊपर हाथ रख। अभी कृष्ण हाथ पर रखे और उसने अपना चोटी से अपना रिबन पिता को निकाल करके जब कृष्ण को बांधने के लिए गई, अभी कृष्ण का हाथ बड़े कोमल है, हैं बड़े हैं कोमल है, जो बांधने के लिए जाए खिसक जाए और बंधने में नहीं आए। इतने में कृष्ण कहता है गोपी जिंदगी में तुमने कभी बंदी गई कि नहीं, बोले नहीं, बोले जब तक खुद बंदी नहीं जाओगे दूसरों को कैसे बांधोगे, बोले ये तेरे को क्या बांधना आता है, बोले और क्या, बोले थोड़ा सिखा दे हाथ रख, अब तेरे को मैं सिखाता हूँ। उसमें हाथ रखे कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छी तरह से बांध दिया। गोपी बोली कन्या तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधना आता है, बोले और क्या, तेरी क्या बात है, मैं तो बड़े बड़े योगियों को बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी चतुर्सन जैसे ब्रह्म ज्ञानी बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी को ही लगे थे आत्मा रामस्त मुनयो निर्गंध अभी उरुक्रमे कुर्बन अहित की भक्ति इथभूत गुणहरी। भगवान की जो लीला है भगवान की जो कथा है कद आत्मा में जो रमण करने वाले बड़े बड़े जो योगी ब्रह्म ज्ञानी उनका मन को भी मैं आकर्षण करता हूँ, उनको भी मैं बांध देता हूँ। गोपी बोली कन्हैया खोल के, बोले गोपी अभी तक तो मैं किसको खोलना सिखाई, जीवन में सबको मैं बांधना ही सिखाए, किसको खोलना ही सिखाए, बस कृष्णा अंगुल दिखाए नौ दो वहां से कृष्णा कृष्ण वहां से चले गए। तभी सुना चलते हम कहते हैं कृष्ण ये सब लीला करते हैं, कृष्ण ये सब लीला को दर्शन करके हसत वो भक्त क्या करता है, हा 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 करते करते भा लगा करके जोर जोर से कृष्ण हंसते हैं। बोले कभी एक गोपी रोज रोज सिखाए दिखाए, बोले तेरे लाला मेरे घर में रोज मक्खन चुराता है, मैया बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगी है, इसलिए तुम हमें रंगे हाथों से पकड़वा दो फिर मैं मानूंगी। बोले ठीक है। अभी वो गोपी कृष्ण के लिए है कृष्ण के लिए उन्होंने मक्खन धर दिया,
हाँ कृष्ण के लिए मक्खन धर कर के बोले आज कृष्ण को था ना मैं क्या करूँ, उसका रंगे हाथों से मैं कृष्ण को पकड़ा कर कृष्ण को मैं दर्शन कराऊंगी रंगे हाथों से। इतने में वो गोपी कहीं बाहर गई हुई थी यमुना में पानी भरने के लिए, वो आ करके देखा कृष्ण तो घर में मक्खन खा रहे, कृष्ण घर में मक्खन खा रहे, बोले पता नहीं इसको ले जाओ ना, पता नहीं क्या होता है कहीं बीच में गायब हो जाता है। कभी कभी तो उन्होंने अपना कृष्ण को तो ले गए थे, उनका बेटे को उन्होंने चोर बना दिया कृष्ण, मान कि बेटे को ही चोर बना दिया। बोले आज तक दरवाजा बंद करके चाबी काटी लेकर के मैं भैया को भुला करके दिखाऊंगी, देख तेरे लाला कैसे घर में मक्खन चोरी कर रहा था, देखा अंदर में कृष्ण मक्खन खा रहे। बोले आज मैं भैया को भुला करके दिखाऊंगी, झट दरवाजा बंद किया, ताल चाबी लगाई और चाबी काटी लेकर के मैया को पास में गई। जब मैया को पास में गई वहां पर देखा कृष्ण घर में कुछ नटखट कर रहा था, तो कृष्ण मैया को कृष्णा को उन्होंने उखल में बांध करके रखा। बोले ये क्या, मैं तो कृष्ण को अपना घर में देखे गया, वहां पर बंदे उनको बंद करके यहाँ पर घर में कैसे है, क्या ब्रज में दो दो कृष्ण हो गए। फिर ये आश्चर्य बात उन्हें दूसरे गोपी को बोलने के लिए गई, फिर उसको घर में उसको बच्चे को साथ खेलते हुए देखा, उन्होंने तीसरे गोपी को बोलने के लिए गया तो देखा उसको घर में बच्चे को साथ खेल रहे कृष्ण और उसको बैठा कर गोपी मक्खन खिला रही है। अभी जिस जिस घर में जाए कृष्ण को उसी उसी घर में अलग अलग रूप में कृष्ण को देखा। कृष्ण ने बोले गोपी ये मत समझो मैं तुम्हारी घर में आता हूँ, क्योंकि जो ब्रज की गोपियाँ रोज रोज हमें मक्खन बना करके रोज रोज हमें बुलाती हैं, मैं हर घर घर में ऐसी लीला करता हूँ, इसीलिए कहते हसत्य था। बोले दूसरा शब्द रोदती, कभी कभी वो साधक रोता है, बोले रोता है क्यों, बोले कृष्ण तो दर्शन देते हैं, जब कृष्ण दर्शन देते हैं इतने आनंद है कृष्ण दर्शन में, इसलिए उदाहरण देते हैं कोटि ब्रह्मानंद नहि तार एक बिंदु, बोले करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी कृष्ण आनंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। उदाहरण विश्वनाथ चक्रधर उदाहरण देते हैं, पृथ्वी में जितने लोग हैं सबका हृदय में कुछ ना कुछ आनंद है, कभी ये सारे आनंदों को एकत्रित कर लो, बोले कृष्ण दर्शन का आनंद कैसे है, मानो एक अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र, समुद्र का एक बूंद लो, एक उसका बूंद ले लो हैं, तब ये विश्व ब्रह्मांड में जीव में जितने आनंद उसको अगर एकत्रित कर लो, वो आनंद को मिला करके भी कृष्ण दर्शन का जो एक बूंद को साथ में जो आनंद का जो बूंद है उसको साथ में भी बराबर नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण दर्शन में इतने आनंद कृष्ण दर्शन में, इसलिए कहते आनंद में तो खूब हंसे, लेकिन जब कृष्ण फिर हृदय से अंतर ध्यान हो गए बोले रोदती, अरे रोने लगे हैं कृष्ण अदर्शन प्रभु आप कृपा करके तो दर्शन दिया है, फिर आपने कहाँ अंतर ध्यान हो गया, और कृष्ण अदर्शन में कितना पीड़ा भी नवकाल कुटता गर्भस्थ निर्वासनम, कृष्ण विरह में जो दुख है करोड़ों काल जहर का जो जहरीला पानी है वो ऐसे कृष्ण विरह में जो उसका जो दुख इसलिए रोदती, वो रोने लग जाता है फिर रोती, कहते रोदन का दो शब्द रोदती फिर रोती, उन्होंने दो बार उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने दो बार क्यों प्रयोग किया, जब साधक कृष्ण अदर्शन से इतने रोने लग जाता है मान कृष्ण विरह में प्राण ही त्याग देते हैं, जब कृष्ण देखते हैं लगता है कि मेरे विरह में ही प्राण ही त्याग देते हैं, फिर कृष्ण उसको फिर दर्शन देते हैं, जैसे रासो में कृष्ण पहले दर्शन दिए फिर कृष्ण अंतर ध्यान हुए फिर कब प्रकट हुए, जब फिर गोपी गीत गाए फिर मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर कृष्ण पुनः प्रकट हुए है, पुनः कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए जब कृष्ण देखते ही तो शरीर छोड़ देगा, फिर कृष्ण उसको पुनः उनको दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं कहते रोदती रोती हैं, फिर लोक बाज्य उसको बाद में नृत्यती, उसको बाद में वो नृत्य करता है, फिर नृत्य क्यों करता है, उसको उदाहरण दिया जैसे आपके बैंक में 100 करोड़ रुपया आपने बैंक में रखा, लेकिन आपने सुना बैंक फेल हो गया, फिर क्या होगा, बोला सिर पिटते रह गया, पागल हो जाओगे, जिंदगी का सारे पैसा गया रुपया, लेकिन आपको पता चला भैया जो रुपया जो हमारे जो बैंक फेल हो गया था बैंक को मिलेगा,
नाचना लग जाओगे, मेरे को मिलेगा बैग में पैसा मिल जाएगा। क्या तो उसी तरह फिर जब कृष्ण देखते हैं ये शरीर मेरा, फिर कृष्ण उसको दर्शन देते हैं, फिर जब दर्शन देते हैं ना गति, फिर उसने नाचना शुरू कर देते हैं गोपियां। कृष्ण जब गोपी गीत गाए, फिर कृष्ण क्या हुआ, मन्मत का मन्मत रूप लेकर कृष्ण प्रकट हुए, फिर उसके बाद महाराज कृष्ण ने महाराज की है। इसे लोक बाज्य उसी समय में है, कौन किसको मेरे को क्या बोल रहा है, क्या बोल नहीं रहा है ना, उस समय उसका बुद्ध कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हमारे विषय पागल बोलिया अंकित दिले का बोली, ऐसे कब दिन होगा मेरे को साधारण लोग अपना पागल समझेंगे। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर ये माधुर्य का भी वर्णना करते हैं, भाव दस का जो वर्णना करते हैं, उसी समय बड़े बड़े विद्वान भी जिनको समझ नहीं पाते हैं, अलग अलग लोग उनको विषय पर अलग अलग बात कहते हैं, हैं कोई बोलता पागल, कोई मति चरना है, अलग 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 बात कहते हैं। इसलिए हम सब पागल बनने के लिए भजन करें, क्या बनने के लिए, हम सब कैसे पागल ही बनने के लिए भजन करने, सब कैसे पागल बनने के लिए। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर उन्होंने गुरुदेव ने ये श्लोक को उद्धृत किया, वो फल विक्रय की अवस्था क्या हुई है, हैं? ये फल विक्रय कृष्ण दर्शन करते हुए कृष्ण को गोद में बैठा करके कृष्ण को फल देते थे, ये फल विक्रय का क्या स्थिति हुई, तब गुरुदेव यहाँ पर ये श्लोक को उद्धृत करते हुए श्लोक गुरुदेव व्याख्या करते हैं। ठीक है, फिर और कुछ गुरुदेव बात बोलते फिर कल सुनेंगे, हमारे बीच में संजय प्रभु सविता अभी बोलोगे, आ जाओ फिर बोल कर चलो, आ जाओ आ जाओ, शर्मा शर्मा आ जाओ, वो बेंच में फंस गई है, अब बेंच में आ जाओ, शर्मा नहीं आ जाओ, और शाम को बोलोगे गुड्डी दीदी, थोड़ी सी आगे दूर कर देता ना, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोलो, तुम्हारी फ्री है मंडल बल, बस ब्रजवासी ब्रजवन पे है ना, कुछ बोलो पूरी उमा हो गयो क्या, ओम ज्ञान निरंदश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम रामचंद्र प्रभु एवं संजय प्रभु एवं सब वैष्णव वैष्णव सभी के चरणों में रह था योग प्रणाम। हम लोग वैष्णव के मुखारविंद से दामोदर अष्टकम का श्रवण कर रहे हैं। गुरु महाराज दामोदर अष्टकम बहुत ही आनंद से रसमय होकर एकदम कथा करते थे, तो बाल लीला का वर्णन करते थे कि दामोदर अष्टकम में, और गुरुदेव ने बताया कि ये दामोदर अष्टकम जो है ये दो प्रकार के दामोदर, एक राधा दामोदर एक यशोदा दामोदर। यशोदा जी ने एक बार राधा यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा और एक बार
राधा जी के साथ में कृष्ण का गठबंधन हुआ, जो गोपियों ने उनका बांध दिया था गठौली गांव में, ये दो दामोदर हुए। और गुरुदेव बताते थे बड़ी अच्छी बात कि ये दो उंगल रस्सी कम पड़ने का कारण क्या था, क्यों दो उंगल रस्सी कम पड़ी है, चार उंगल कम नहीं पड़ी, तीन उंगल नहीं पड़ी, एक उंगल नहीं पड़ी, दो ही उंगल कम क्यों पड़ी। तो गुरुदेव बताते थे कि एक है साधक की चेष्टा और एक है भगवान की कृपा, ये दो उंगल है। साधक अपनी चेष्टा से भगवान को नहीं बांध सकता, और दूसरा कि भगवान की कृपा पर निर्भर बैठा रहे, कुछ चेष्टा नहीं करे, तभी वो प्रेम में नहीं बन सकता। इसलिए बताया कि दो ही है, एक साधक की चेष्टा, मतलब क्या है कि हमें भजन करना पड़ेगा, हमें साधन करना पड़ेगा, हमारे साधन से मन जो हमारे परिश्रम को देखकर जब भगवान का हृदय द्रवीभूत होगा तब उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी। एक कारण जिस यशोदा मैया ने अपनी चेष्टा से कोशिश की थी बांधने के लिए कि मैं, मेरा बेटा है, मेरे पेट से जन्म लिया है इसने, क्या मैं अपने बच्चे को बांध नहीं सकती, तब बहुत चेष्टा करी, सुबह से दोपहर रोई बांधते बांधते रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई, लेकिन भगवान नहीं बंधे। जब वो नारायण के शरणापन्न हुई, शालिग्राम के घर में सेवा होती थी, नंद बाबा उनकी सेवा करते थे शालिग्राम जी की, तो जब उन्हें नारायण के समर्पित हुई, हे नारायण क्या मैं अपने बेटे को नहीं बांध सकती, तब भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और भगवान जितनी जो रस्सी थी सारी एक साइड में हो गई, और जो जूड़े की जो रस्सी, सिर की जो रस्सी थी उससे ही भगवान बंध गए। तो ये परिश्रम हमें करना पड़ेगा, मतलब दो जब भगवान दौड़ रहे थे और यशोदा मैया उनके पीछे बहुत दौड़ रही थी, तो जब समान गति से दौड़ेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, धीमी गति से तो मतलब ही नहीं है, ये उससे तेज गति से दौड़ना पड़ेगा तभी हम भगवान को पकड़ पाएंगे। तो मतलब ये है कि जैसे भगवान ने तो कहा ये बंदे दास कथम भजाम में, जो मेरे जितना भजन करता है मैं उसको उतना फल देता हूँ, बस उतना ही देते, लेकिन हमको जब वो उसमें वो बसीभूत नहीं होते, बसीभूत जब होते कि हमारा जब साधन भजन ज़्यादा होता है तो उनके दौड़ से हमारी दौड़ ज़्यादा होगी, तीव्र बढ़ेगी दौड़, तेज बढ़ेंगे, तब हम भगवान को मान सकते हैं, मतलब हमारी भक्ति और ज़्यादा होनी चाहिए। और बता रहे हैं कि देखो हम जैसे भगवान की कृपा पर निर्भर रहेंगे तो हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी हम भजन कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है तुम भजन कर रहे हो, हमारे ऊपर कृपा नहीं इसलिए नहीं कर रहे, मतलब ऐसा नहीं है, कृपा तो भगवान की सर्वत्र है। जैसे हम घर में रजाई के अंदर मुँह छुपा के सोए हुए हैं, दरवाजा बंद करके सोए हुए हैं और ढक्के मुँह ढक के सोए हुए हैं, तो क्या और सूर्य उदित हो चुका है, क्या सूर्य उसके लिए सूर्य नहीं उदित हुआ, सबके लिए सूर्य उदित हुआ, सूर्य तो उदय सबके लिए हो गया, लेकिन वो घर जब कमरे से बाहर निकलेगा तब सूर्य को देखेगा तब वो समझे हाँ सूर्य उदित हुआ है। तो इसलिए कि भगवान सूर्य उदित का मतलब यही है कि सबके लिए सूर्य उदित हुआ है, लेकिन जब हम वो चेष्टा नहीं कर रहा है उस कृपा को पाने के लिए, इसलिए वो कह रहा है कि सूर्य तो उदित ही नहीं हुआ। दूसरा है कि एक व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ है, कुएं में पड़ा हुआ और दूसरा व्यक्ति ऊपर से रस्सी गिर रहा है, यदि वो नीचे वाला व्यक्ति रस्सी को नहीं पकड़ेगा तो बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसको नीचे से रस्सी पकड़नी पड़ेगी, ऊपर की कृपा तो हो ही रही है लेकिन नीचे वाले को रस्सी पकड़ के ही बाहर आना पड़ेगा, पकड़ेगा तभी बाहर आ सकता है। इसलिए साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा, इसलिए ये दोनों ही एक साथ में होने चाहिए। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि बिल्ली का और बंदर का उदाहरण देते थे कि बिल्ली का बच्चा क्या करता है, जब बिल्ली अपने मुंह से बच्चे को अपने पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, और बंदर क्या करता है, जब बंदर का बच्चा हो जाता है तो बंदर क्या करता है, उस बच्चे को पकड़ता नहीं है, बच्चा खुद बंदर को पकड़ता है, तब यदि बच्चा गिर जाएगा तो बंदर उसको स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए बंदर का बच्चा चेष्टा खुद पकड़ के चेष्टा करता और बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से दबा दी है, बोले दोनों ही ये साथ में होना चाहिए, इसको अर्थकुटकुटी न्याय बोलते हैं, इसका मतलब अर्थकुटकुटी न्याय। तो गुरु महाराज इस जो दामोदर लीला में ये विशेष करके बताते, और जब अभी महाराज जी बता रहे थे कि
जो बाल लीला का बाल लीला कर भगवान गुरुदेव बड़े ही आनंद के साथ उसका जो इति दिख स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वगोसन निमजनता माख्या पर्यतम तो गुरुदेव इसका व्याख्या करते थे। तो इति दिख स्वलीला भी भगवान की सुंदर सुंदर लीला उसमें क्या कहते थे गुरुदेव मेरे को वही सब एक भगवान गुरुदेव का यही वो सीन याद आता है। अरे आवाज लगाते थे अरे दही लेके आओ अरे दूध लेके आओ अरे बर्तन लेके आओ ब्रज में से आवाज ऐसे आवाज लगाते थे। वो मक्खन रोती थी गोपियां मक्खन रोती थी तो गुरु जी के ऐसे हाथ रहता वही हाथ मेरे को भी स्मरण आता है ऐसे गुरुदेव हाथ रख के बताते थे ऐसे ऐसे करके। तो एक और उसमें बताते एक हाँ आओ पकड़ो ऐसे करके हाथ करके गुरुदेव करते थे ऐसे। और गौशाला में जाके उसमें जाके सारे गोबर में सनपुत के आ जाते मैया बोले अरे लाला अभी तो मैं तुमको नहा धोवा कर तैयार करो तो फिर ऐसे बंदा है कि आ गया सारा कीचड़ लगा के अपने ऊपर आ जाते फिर मैया उनको दोबारा से उनको नहला धुला के तैयार करते। और एक छोटा सा एक गुलाब का फूल देखते थे कांटे की झाड़ियाँ कांटे के लगे रहते थे उसके अंदर अंदर ऐसे पैर से ऊंचे नीचे कर दोनों भाई क्या करते थे उसके अंदर घुस जाते थे। अब कांटे की जो लाइन लगी रहती है वो तो एक में घुसने के बाद बंद हो जाती और फिर वो उसमें फंस जाता और चिल्लाती मैया 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 करते तो मैया देखती कहाँ गए दोनों नटखट कहाँ है ये दोनों की दोनों। तो फिर मैया जाके देखे अरे ये नटखट फिर कांटे में जाके चले गए फूल लेने के लिए छोटे से फूल के लिए और फिर मैया उनको निकाल के लेके आती। और गुरु महाराज बताते थे कि गैया के बछड़े की पूछ पकड़ लेते थे और गैया भागती थी और फिसट फिसट के फिसट फिसट पीछे पीछे कन्हैया और बलदाव वो दोनों फिसट फिसट के आगे चले जाते थे। मैया देखा कभी गायों की सींग पकड़ पकड़ के उनको ऐसे ऐसे झुलाते थे। और एक दिन देखा कि मटकी के ऊपर मक्खन रखा हुआ है तो उन्होंने देखा कि इतना ऊपर छीका रखा है कैसे करें। मैया ने कहा जा रहे हैं आज गैया की बछड़ा की पूजा करेंगे तो जरा बछड़ा को लेके आ। अब कन्हैया बछड़े को लेके आ गए बछड़े को लेके आ तो मुंह में पानी आ गया कि मक्खन खाने के लिए तो बछड़े को उधर ही खड़ा किया और बछड़े को खड़ा करके उसके ऊपर चढ़ गए और उसके ऊपर चढ़ के और मक्खन को पकड़ लिया और जैसे ही मक्खन को पकड़ा छीके को पकड़ा और नीचे से गधा क्या कहते बछड़ा भाग गया और वो लटकते रह गए ओ मैया 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 करने लगे। तो तू मैया भाग के आई क्या हुआ लाला क्यों अल्लाह मचा रहा है देखो तो छीके पे लटका हुआ है गले। तो इस तरह सुंदर सुंदर गुरु महाराज बड़ी सुंदर सुंदर ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते थे। और एक दिन ओ परिवार है हमारे गुरु जी की पूरा के पूरा मेरा परिवार गुरु जी का आश्रय है इनके पिताजी माता जिसमें कहीं कहीं भी हमारा मंदिर कहीं जैसे नवद्वीप में कहीं भी मंदिर स्थापन हुआ जो मंदिर का जो विग्रह है इनके परिवार लोग कहीं भी गुरुदेव मंदिर स्थापन करते थे परिवार सारे मंदिर का जो विग्रह है सब इनका परिवार के लोग रहते थे। और जो ब्रजमंडल संख्या में जाते हैं जैसे ये लोग ना हमारे ब्रह्मचारी और हमारे अलग नहीं सोचते ये ब्रह्मचारी सबसे सब हमारे बच्चे हैं राजू बाबू राजू बच्चा जो भाई एक परिवार में दो व्यक्ति शादी नहीं किए शादी नहीं किया इसके भाई शादी नहीं किया मतलब ये दोनों कुछ दिन पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये द्वादश पिताजी बहुत बड़े ये बहुत बड़े घर गए हाँ बढ़िया है ये तो बढ़िया लोग बहुत बड़े घर गए लेकिन होते हुए भी जानी चाहिए ब्रह्मचारी अलसता हो जाते हैं लेकिन परमेश्वर दृष्टि कर दिया अभी गए इसलिए लेकिन ये इतने बड़े घर को होकर के वो घर घर में जा करके सारे विद्या को उसने सारे विद्या खुद करता था और ला कर घर में रख देता था मेरे को बोलता था महाराज जी ब्रह्मचारी को बैठा मेरे साथ कही तो ब्रह्मचारी जाए वो जाकर खुद और जन्माष्टमी में घर घर में जा करके भिक्षा करेगा और ला करके सबके सब गुरु जी को देगा और उसको कहीं जाएगा थोड़ा प्रणाम मिलेगा ना प्रणाम पैसा रख लेगा जमा करेगा और कोई विशेष विशेष स्थिति आएगा तो प्रणाम पैसा को मतलब उनका जो समर्पित जो आत्मा है हाँ और हमारे मथुरा में रहते हुए अगर कोई मंदिर में भंडार फंडार होगा बस ये परिवार थे बस इनको बोलने पर
सारे इनका जो पिता है जिनपति मास बड़े हृदय बड़े दयालु है, सारे को सारे सेवा करते थे उसका, इसका और एक बहन उनका जो परिवार पूरा पूरा गुरुदेव का सेवा करने वाले सबके सब सेवा करने वाले, इसलिए इसे इसकी भी बहुत लिखी पड़ी थी, लेकिन करते हुए शादी नहीं किया, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य जब ये बनाते हुए और भागवत कथा करती है जा जाकर जो गुरु जी जब कथा करते सबके सब ये नोट करते थे, नोट करके ये लोग सबके सब जा करके भागवत कथा करती हैं और बड़े हर तरह से ब्रह्मचर्य की इतनी जरूरत हो बोलो तो जथा जाकर के सेवा करने के लिए लोग प्रसन्न, इनका परिवार बहुत अच्छे परिवार। ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि हरि बोल।